डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने चैनल आरटी एकेडमी पे। आरटी एकेडमी पे हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, चारों कोर सब्जेक्ट्स के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। क्लास 12 मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट हो चुकी है। एक लेक्चर हम कर चुके हैं जिसमें हमने क्वांटम थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स सीखे थे, और ये भी जाना था कि वेव नेचर ऑफ रेडिएशन का जो थ्योरी है वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में किस तरह से फेल होती है। तीन तरह के फेलियर्स हमने उसमें जाने थे। आज के लेक्चर में आइंस्टीन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हम देखेंगे, और वो जो तीन प्रॉब्लम्स राइज हुई थी जहां वेव थ्योरी फेल हो रही थी, वो वेव थ्योरी को वो क्वांटम थ्योरी से रिप्लेस करेंगे और कहेंगे रेडिएशन को वेव नेचर से ना देखते हुए अगर उसे पार्टिकल नेचर से समझें तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के सारे फिनोमेना पूरी तरह से एक्सप्लेन हो जाते हैं। यहीं से डुअल नेचर की कहानी आएगी। फिलहाल आइंस्टीन्स एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। आइंस्टीन ने सबसे पहली बात सजेस्ट किया कि रेडिएशन इज नॉट वेव बट पार्टिकल। तो आइंस्टीन के सजेशन में पहला बात ये थी कि रेडिएशन इज नॉट वेव बट पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स कौन से पार्टिकल्स? तो आपके दिमाग में पार्टिकल के नाम पे आना चाहिए एनर्जी पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स भैया? एनर्जी पार्टिकल्स आना चाहिए। तो बच्चों ये रहे आपके एनर्जी पार्टिकल्स, और किस थ्योरी के हिसाब से ये इन्हें एनर्जी पार्टिकल बोल दे रहे हैं तो ये थ्योरी भी याद होनी चाहिए। तो आप तुरंत लिखेंगे इसमें अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी। कौन सी क्वांटम थ्योरी? जो मैक्स प्लैंक साहब ने दी, मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी से के हिसाब से, यानी ये वेव नेचर नहीं पार्टिकल नेचर रखते हैं। तो रेडिएशन की जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज डिस्क्रीट, यानी उन पैकेट्स में चलती है। ठीक है, अच्छी बात। फिर उन्होंने कहा कि जो एक पैकेट की एनर्जी है, यानी कि एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन, वो एग्जैक्टली वैसे ही लिखी जाएगी जैसे क्वांटम थ्योरी में लिखी जा रही थी, इक्वल टू एच न्यू। और एच न्यू में न्यू जो है वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेगी कि एक फोटॉन एक क्वांटा की एनर्जी का पैकेट का साइज कितना है, उसके पास टोटल एनर्जी कितनी है। अब इन्होंने एक नई और चीज इंट्रोड्यूस करी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक बार में एक ही फोटोन से इंटरैक्ट कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो टर्म मैं बोल रहा हूं ये बुक्स में एक्सप्लेनेशन के टाइम पे लिखा हुआ नहीं मिलता है, लेकिन ये आइंस्टीन का सजेशन है कि इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट विद ओनली वन फोटोन एट अ टाइम, वो दो फोटोन से एक साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकता। तो हम यहां पर इनकी थ्योरी में भी लिखते हैं इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट with only one photon at a time। और आप जानते हैं कि जो फोटोन है वो कोई पार्टिकल मटेरियल नहीं है, वो तो एनर्जी का पार्टिकल है, बेसिकली पैकेट ऑफ एनर्जी है। तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या नहीं करेगा, हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन फोटोन से इंटरेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है फोटोन की तो हम कहेंगे इंटरेक्शन हो रहा है, और अगर एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं होती तो हम कहेंगे इंटरेक्शन नहीं हो रहा। अच्छा, क्या मायने इस बात के? देखो भाई क्या मायने, मान लीजिए कि आपकी जो मेटल की सरफेस है वही है, और इलेक्ट्रॉन यहां पर सरफेस को उछल कूद मचा रहा है, और कोई ना कोई बाइंडिंग पोटेंशियल एनर्जी है जो इस सरफेस पे इसे रोक कर रख रही है। उस बाइंडिंग एनर्जी का नाम है यू, यू बाइंडिंग। इसे आप न्यूक्लियर फिजिक्स की बाइंडिंग एनर्जी ना समझें, सरफेस पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन जिस बाइंडिंग एनर्जी से सरफेस पे होल्ड है उसे कहा जा रहा है बाइंडिंग एनर्जी। अब ये मान लीजिए यहां से फोटॉन इंसिडेंट हुआ, अब इस फोटॉन के पास पूछा जाए कि क्या एनर्जी है, तो फोटॉन की एनर्जी मान लेते हैं कि एच न्यू है। अगर ये इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट फोटॉन जिसकी एनर्जी एच न्यू है, ये एच न्यू अगर ज्यादा या बराबर हुई इस बाइंडिंग एनर्जी से, तो हम कहने लग जाएंगे
फोटो एमिशन होगा, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा इस फोटोन को और वो एमिट हो जाएगा, ठीक। फोटो एमिशन टेक्स प्लेस, यहां पे ऐसे लिख लेते हैं, फोटो एमिशन टेक्स प्लेस, फोटो एमिशन होता है, और अगर ऐसा ना हो तो फोटो एमिशन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहा, अपने थ्रू जाने दे रहा है, तो कोई फोटो एमिशन नहीं होता। तुरंत ही यहां पर दूसरा स्टेटमेंट लिखें कि h न्यू की वैल्यू अगर कम है u बाइंडिंग से तो हम कहने लग जाएंगे नो फोटो एमिशन टेक्स प्लेस, किसी प्रकार का कोई फोटो एमिशन नहीं हो रहा, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा फोटॉन के पास एनर्जी है तब तो इलेक्ट्रॉन उससे इंटरैक्ट करेगा, फोटॉन को अब्सॉर्ब करेगा और निकल जाएगा, अगर कम है तो नहीं निकलेगा, चाहे जितने फोटॉन डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर फ्रीक्वेंसी कम है, एक पैकेट की एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन उस फोटॉन को अब्सॉर्ब करने वाला नहीं है। अच्छा साहब बहुत बढ़िया, मान लीजिए कि इंटेंसिटी कम है, लाइट बहुत कम आ रही लेकिन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ये केस हम लेके चल रहे हैं, तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? जवाब है हाँ निकलेगा, क्योंकि एक पैकेट एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है। अब वो सिंगल पैकेट भी अगर आया, इंटेंसिटी इतनी कम है कि एक एक फोटॉन आ रहा है, तो भी अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो चाहे जितने फोटॉन डालो उन नंबर ऑफ फोटॉन से कोई मतलब नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक एक फोटॉन को चेक करेगा, तुम्हारी एनर्जी जो है एच न्यू वो मेरी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है कि कम, अगर कम है तो चाहे जितने फोटॉन्स आ जाएं इलेक्ट्रॉन किसी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वन बाय वन सबको रिजेक्ट करता जाएगा, इलेक्ट्रॉन को टोटल एनर्जी ऑफ फोटॉन्स से मतलब नहीं है, सिंगल पैकेट में कितनी एनर्जी है उससे मतलब है। अच्छा, ये जो एब्जॉर्प्शन और एमिशन है, ठीक, यानी कि फोटोन का एब्जॉर्ब हो जाना, फोटोन एब्जॉर्प्शन प्लस इलेक्ट्रॉन एमिशन, ये बहुत क्विक प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है इसमें लगने वाला टाइम 10^-9 सेकेंड्स के आसपास का होता है, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था। तो ये इतने कम समय में फोटॉन का एब्जॉर्प्शन इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाता है, इसी वजह से एक्सपेरिमेंटली पाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन का एमिशन इज अ साइमल्टेनियस और इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, जैसे ही फोटॉन गिरा वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला। अच्छा, ये एक्सप्लेनेशन है, जवाब है हाँ, बहुत बढ़िया। इससे क्या हुआ, इससे तीन प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हुई, कौन सी तीन प्रॉब्लम्स हैं, वो महान चमत्कारी तीन प्रॉब्लम्स हैं, पहली फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम, तो फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है, कैसे रिजॉल्व होती है, ये कहते हैं कि भाई जो हमारी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो कम से कम इतनी तो होनी चाहिए कि बाइंडिंग एनर्जी के बराबर की एनर्जी हो जाए, जिसे आप यू बाइंडिंग कह रहे हैं ना, यू बाइंडिंग कि इलेक्ट्रॉन कितनी बाइंडिंग एनर्जी से अपने मेटल के सर्फेस पोटेंशियल से बाउंडेड है, उसे हम फोटो इलेक्ट्रिक चैप्टर में वर्क फंक्शन नाम से जानेंगे, वर्क फंक्शन कहेंगे। ये वर्क फंक्शन के दो सिंबल्स हैं हमारे पास, किताबों में कई बार W और कई बार फाई लिख कर दिया होता है, हम ज्यादातर फाई टर्म यूज करेंगे। अगर मेरी इंसिडेंट एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल हो गई इस फाई के, तो अभी वो केस आया है कि जस्ट अभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इससे जस्ट कम फ्रीक्वेंसी पर नहीं निकलेगा और इससे ज्यादा किसी भी फ्रीक्वेंसी पर जरूर निकलेगा। इसका मतलब यह है कि ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर विच फोटो एमिशन टेक्स प्लेस, फोटो एमिशन होता है, इंपॉर्टेंट है दिमाग वर्क। अब यहीं से आप इसे थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, और थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट का जो फॉर्मूला है वो बनेगा वर्क फंक्शन, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, डिवाइडेड बाय एच, ये बन गया आपका थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। नाउ द प्रॉब्लम इज रिजॉल्व्ड कि अगर मेरी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर और इक्वल टू म्यू नॉट है तो पक्का पक्का फोटो एमिशन होगा,
कौन आता है? दूसरा, दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? अगर ये इससे कम है तो फोटो एमिशन नहीं होगा, और ये क्वांटम थ्योरी को एक्सेप्ट करने के बाद जो फ्रीक्वेंसी का प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से रिजॉल्व हो जाता है। अगला प्रॉब्लम क्या था बेटा? इंटेंसिटी प्रॉब्लम। इंटेंसिटी प्रॉब्लम क्या थी कि ज्यादा इंटेंसिटी डालने पर भी इलेक्ट्रॉन निकल नहीं रहा था। हम ये कहें कि यार अगर फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट जो है वो कम है हमारे थ्रेशोल्ड से तो नो फोटो एमिशन, यही तो केस है भाई। चाहे जितनी इंटेंसिटी बढ़ा दो, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो बढ़ क्या रहा है? बढ़ रहा है टोटल एनर्जी, लेकिन एक फोटोन की एनर्जी थोड़ी बढ़ रही है, वो तो तुमने कम फ्रीक्वेंसी रखी तो हर फोटोन की एनर्जी तो कम ही है। तो अगर टोटल एनर्जी बढ़ रही है तो इसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं, पर इलेक्ट्रॉन तो एक बारी में एक फोटॉन से ही इंटरैक्ट करता है, तो चाहे जितने फोटॉन्स डाल दो इंटेंसिटी बढ़ाकर, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो फोटो एमिशन नहीं होना। वन बाय वन इलेक्ट्रॉन सारे फोटॉन्स को रिजेक्ट करता जाएगा और किसी को अब्सॉर्ब नहीं करेगा। इस तरह फ्रीक्वेंसी का प्रॉब्लम रिजॉल्व होता है। और तीसरा जो प्रॉब्लम थोड़ा खतरनाक टाइप का था वो था टाइम डिले प्रॉब्लम, मैं यहां लिख देता हूं। टाइम डिले प्रॉब्लम, जो टाइम डिले प्रॉब्लम है इसे देखिए। टाइम डिले प्रॉब्लम अभी बता दिया कि जो फोटो एमिशन है उसके निकलने में 10 टू पावर माइनस 9 सेकेंड्स के आसपास का समय लगता है, और ये इतना कम समय है कि ये लगभग इंस्टेंटेनियस एमिशन हो जाता है। आइंस्टीन की एक्सप्लेनेशन से सारी चीजें अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो जाती है और हम कहते हैं कि फोटो एमिशन एक्सप्लेन हो गया। चलिए आगे देखते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है? फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन देखो क्या है, मान लेते हैं कि कोई मेटल सरफेस, इस पर कोई फोटॉन गिराया गया न्यू फ्रीक्वेंसी का, और मैंने कहा कि जो मेरा इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब साहब ये इलेक्ट्रॉन और ये एमिट आउट हो गया, इस मेटल का वर्क फंक्शन जो है उसे मान लेते हैं फाइ। वर्क फंक्शन तो मुझे बस ये बताओ कि जितनी एनर्जी चाहिए वो क्या थ्रेशोल्ड के बराबर है? जवाब है हाँ। और मैं क्या एनर्जी ज्यादा दे रहा हूं? तो जवाब है हाँ, क्योंकि थ्रेशोल्ड के बराबर की फ्रीक्वेंसी चाहिए, मैंने फ्रीक्वेंसी ज्यादा दे दी। एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम चाहिए, पर मैंने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ज्यादा दे दी, तो बची हुई एनर्जी का क्या होगा? वो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा, जितनी बाइंडिंग एनर्जी में खर्च हो जाएगा हो जाएगा, बची हुई एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा तो उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो एमिट आउट हो रहा है उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो इंसिडेंट एनर्जी और वर्क फंक्शन के डिफरेंस के बराबर होगी। क्लियर है मेरी बात? जवाब है हाँ। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है, इस वजह से तुम पाओगे कि ये पॉजिटिव होगा तभी इलेक्ट्रॉन एमिट होने वाला है, वरना एमिट होने वाला नहीं है, यानी इंसिडेंट को वर्क फंक्शन से ज्यादा ही होना है। थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिख लो तो तुम लिखोगे एच न्यू इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। एच न्यू को एच न्यू रहने दो, वर्क फंक्शन को अभी तुमने एच न्यू नॉट लिखा था, इसे फिर से लिखो के मैक्स, इसे एच सी बाई लैम्डा लिखो और इसे एच सी बाई लैम्डा नॉट लिखो प्लस के मैक्स। न्यू नॉट का मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर विच फोटो एमिशन टेक्स प्लेस, और लैम्डा नॉट का मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर विच फोटो एमिशन टेक्स प्लेस, और ये कहलाता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये तीन इक्वेशंस हैं, ये तीन इक्वेशंस नहीं है बच्चों, ये एक ही इक्वेशन है। एक इक्वेशन का मतलब एक ही इक्वेशन के डिफरेंट रूप आपके सामने लिखे हुए, जो डिफरेंट रूप आपके सामने लिखे हुए हैं यही इक्वेशंस हमारी कहलाती हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस। और इन इक्वेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए मिला था नोबेल प्राइज, किसको? आइंस्टीन साहब को, और इसी के साथ क्वांटम थ्योरी के सक्सेस पर मैक्स प्लैंक को भी नोबेल प्राइज मिला था। आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल चीज है।
चलिए आगे देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाते हैं जिससे ये मालूम चले कि काइनेटिक एनर्जी वगैरह क्या है इलेक्ट्रॉनों की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इतनी आसानी से तुम मेजर थोड़ी कर सकते हो, दिखाई थोड़ी देते हैं इलेक्ट्रॉन कि तुमने कैलकुलेट कर लिया कि कितने स्पीड से इलेक्ट्रॉन निकला, तो बराबर है। इसलिए यहां देखो एक प्लेट लगा रखी, यहां देखो एक प्लेट लगा रखी, ठीक। अब अगर मैं जानबूझकर कोई रेडिएशन ऊपर से डालता हूं, कोई रेडिएशन ऊपर से आता है और ये फोटॉन्स आ रहे हैं, और ये जो फोटॉन्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसी उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, हम इस मेटल पे फोटॉन्स गिरा रहे हैं, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट आउट हो जाएगा। इसको रोकने का क्या तरीका है वो देखो, तो बढ़िया जुगाड़ है, इन्हें इलेक्ट्रॉनों को यहां निकाला देना, ठीक। इस तरह से यहां पर हमें बैटरी लगानी है, हमें बैटरी का हायर पोटेंशियल यहां और लोअर पोटेंशियल यहां लगा दिया, ये प्लस और ये माइनस, यानी ये बन गया बेटा एनोड और ये बन गया बेटा कैथोड, शायद ऐसे ही। हालांकि एनोड कैथोड नहीं बोलना चाहिए, ये है हमारा लोअर पोटेंशियल और ये है हमारा हायर पोटेंशियल। हम कौन सा केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, देखिए यहां पर आया हायर पोटेंशियल यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल, यहां पर आया लोअर पोटेंशियल यानी कि नेगेटिव टर्मिनल, और आपको ये बात पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो अब यहां ये वी वोल्ट के हमने बैटरी लगा रखी है, अच्छी बात है। इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आई, जो काइनेटिक एनर्जी आई उससे इलेक्ट्रॉन निकलना चाहेगा, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सर्किट में उल्टी दिशा में करंट आएगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल अल्टीमेटली इस दिशा में बहकर आ रहा है। अच्छा, चार्ज पार्टिकल इधर आ रहा है तो तुम कहोगे कि जो करंट है वो इस दिशा में जा रहा है, तो जैसे ही तुमने यहां पे गैल्वेनोमीटर लगाया, तुमने गैल्वेनोमीटर की रीडिंग को पाया कि डिफ्लेक्शन दिखाई दिया। लेकिन ये बैटरी क्या कर रही है, ये बैटरी इलेक्ट्रॉन को निकलने से रोक रही है। हम बैटरी का वोल्टेज बढ़ाएं और ताकत से इलेक्ट्रॉन को रोकेंगे, एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है लेकिन ये बैटरी उसको बाहर तो निकलने दे रही पर स्लो डाउन कर रही, रिटार्ड कर रही। इस बैटरी का पोटेंशियल और बढ़ाओ, ये बैटरी और ताकत से रोकेगी, बैटरी का पोटेंशियल और बढ़ाओ और ताकत से रोकेगी, और एक ऐसा वक्त आ जाएगा जब इसके पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट तो होगा लेकिन दौड़ नहीं पाएगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, क्योंकि पूरी ताकत से इसने होल्ड कर रखा होगा, सारी काइनेटिक एनर्जी इस पोटेंशियल डिफरेंस ने बर्बाद कर दी होगी। तो जो डिफ्लेक्शन हमको दिखाई दे रहा था वो नो डिफ्लेक्शन दिखाई देने लग जाएगा। जिस पर्टिकुलर वोल्टेज पे इस सर्किट का करंट खत्म हो जाए और गैल्वेनोमीटर हमारा करंट रीड न कर पाए, तो हम कहने लग जाएंगे कि उस पोटेंशियल डिफरेंस पर हमने इलेक्ट्रॉन की सारी काइनेटिक एनर्जी खत्म कर दी, यानी कि उस वक्त दिया गया जो पोटेंशियल एनर्जी है बैटरी के द्वारा वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। अच्छा, तो मतलब वोल्टेज से नापेंगे, बिल्कुल यार, इलेक्ट्रॉन दिख नहीं रहा तो उसकी स्पीड नाप लोगे क्या, तो कैसे पता करोगे कि क्या स्पीड है इलेक्ट्रॉन की, इस वजह से हम उसको वोल्टेज से ही बेटा नापते हैं, तो ईवी बराबर के ई मैक्स। अब जरा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को देखो, ईवी नॉट लिख देते हैं, ठीक, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के ई मैक्स, इसी चीज को लिखा जाए एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, ये स्पीड, इसी को लिखा जाए एच सी बाई लैमडा इक्वल टू एच सी बाई लैमडा नॉट प्लस के ई मैक्स, या फिर हाफ एम वी एक्स वी मैक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। इसी चीज को देखो मैं क्या लिख रहा हूं, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी की जगह ई वी नॉट, ये लिखा गया, ठीक है मेरी बात।
इसी की जगह क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नॉट प्लस ई वी नॉट। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये रिवर्स डायरेक्शन में लगाया हुआ पोटेंशियल है, वी नॉट इज द रिटार्डिंग पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? रिटार्डिंग पोटेंशियल, ये भैया रिटार्डिंग पोटेंशियल, जो ये बता रहा है कि इतना रिटार्डिंग पोटेंशियल लगाने पे इलेक्ट्रॉन की सारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन की सारी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जा रही तो इसका सीधा सा मतलब ये है बेटा कि इतनी ही काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जा रहा था। अच्छा, इसे क्या नाम देते हैं? इसे एक बढ़िया नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ? मिनिमम रिक्वायर्ड रिटार्डिंग पोटेंशियल दैट डैम्स ऑल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की सारी काइनेटिक एनर्जी को डैम करने के लिए जितना मिनिमम रिक्वायर्ड रिटार्डिंग रिवर्स पोटेंशियल है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये एक्चुअली किस चीज के बारे में आपको जानकारी दे रहा है? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल रिलेटेड है बेटा काइनेटिक एनर्जी से। ठीक, रिलेटेड किससे है? काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड, आपको दिमाग में रखना चाहिए इसे। ठीक, इसके बाद बेटा छोटी मोटी बातें मैं आपसे और करता हूं। देखो अच्छा, ग्राफ की बातें करते हैं। आपके पास फॉर्मूला है एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। मैं इस फॉर्मूले को काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट नहीं लिख सकता हूं, जब आप यहां लिख सकते हैं। इसे ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। हाँ सर, लिखा जा सकता है, क्यों ना इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए। चलो भैया ग्राफ प्लॉट करें। जब आप ग्राफ प्लॉट करें तो विचार करें कि किसके अबाउट ग्राफ प्लॉट होगा, किन दो वेरिएबल्स में ग्राफ प्लॉट होगा। तो कहा जा रहा है कि ग्राफ प्लॉट होना है काइनेटिक एनर्जी मैक्स और दूसरा इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी में। ये तो कैसा ग्राफ आएगा, चलो देखो कैसा ग्राफ आएगा उसकी चर्चा करते हैं। इसी ग्राफ को देखो, इसमें तुम इसको कंपेयर करो जरा y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी से, तो y की जगह पे तुम्हें के ई मैक्स दिखाई दे रहा है बेटा, m की जगह पे h, c की जगह पे इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और x की जगह पे इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और c की जगह पे वर्क फंक्शन। स्ट्रेट लाइन, पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव इंटरसेप्ट, ये रहा आपका ग्राफ। ठीक, आप देखें ये जो इंटरसेप्ट है ये अपने आप में वर्क फंक्शन के बराबर है और ये जो स्लोप है थीटा टैन थीटा, ये हिस्सा जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर है। अब अगर हम कोई दूसरा मेटल ले लें, आपको दिखाई देगा चाहे जो मेटल लो, क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट इज एन यूनिवर्सल कांस्टेंट, तो उसकी वैल्यू कभी भी नहीं बदलने वाली। आप कॉपर लें, आयरन लें, सोडियम लें, कुछ भी लें, फर्क नहीं पड़ता। तो जो वैल्यू हमारे एक बार स्लोप की आई, हर ग्राफ के लिए जो स्लोप है वो सेम रहने वाला है, तो सारे ग्राफ पैरेलल चलेंगे। पर इतना दिमाग में जरूर रखा जाएगा कि यहाँ पे C1 था और ये C2 है, और आपको पता है कि जितना ज्यादा इंटरसेप्ट दिखाई दे रहा है उतना ज्यादा ही वर्क फंक्शन है। तो आपको दिख रहा है सी टू बड़ा है सी वन से, तो वर्क फंक्शन टू बड़ा है वर्क फंक्शन वन से। ये ग्राफ इस तरह बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, आसान। ठीक, यही ग्राफ बेटा अगर हम इसको काइनेटिक एनर्जी के बजाय के मैक्स लिखा है हम लोगों ने और ये वैल्यू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन की बजाय लिखा जाए ईवी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, उसकी बजाय अगर लिखा जाता वी नॉट इक्वल टू एच बाय ई न्यू माइनस फाई बाय ई, तो यार ये भी तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ही ग्राफ है,
क्योंकि तुम देखो जरा ग्राफ देखना, गौर से देखना काम की बातें। ये रहा आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल और ये रही आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा और चाहे जितने ग्राफ बना दो सब एक दूसरे के पैरेलल बनने वाले हैं, इनमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यार सबका जो स्लोप है वो तो एक ही है। अब ध्यान दो यहां पर इंटरसेप्ट की डेफिनेशन बदल गई है, ये C1 है और उसी प्रकार से ये नीचे वाले का इंटरसेप्ट C2। C1 की जगह देखोगे तो लिखोगे वर्क फंक्शन 1 अपॉन E और C2 की जगह देखोगे तो लिखोगे वर्क फंक्शन 2 अपॉन E क्योंकि इंटरसेप्ट की जगह पे 5 बाई E आ रहा है। अच्छा दोनों की स्लोप जो है बेटा वो कांस्टेंट है, थीटा और थीटा और थीटा, और आपको दिखाई दे रहा है कि जो tan थीटा है उसकी वैल्यूज और प्लैंक कांस्टेंट नहीं जबकि h / e है। तो h कितना है? तो तुम कहोगे e times tan थीटा। तो होता ही है कि प्लैंक कांस्टेंट, मैंने जैसे बताया था कि प्लैंक साहब ने प्लैंक कांस्टेंट दिया नहीं है, ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के कैलकुलेशंस से आया है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल्स डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए प्लॉट किए गए और फिर ये ग्राफ प्लॉट कर दिया गया। और ये प्लॉट करने के बाद, ये सारे ग्राफ प्लॉट करने के बाद जो tan थीटा आया, जो स्लोप आई सबसे, उन सारी स्लोप की एवरेज स्लोप से जो h निकला इस तरह से e * tan थीटा करके, वो निकला रियल अपनी प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू। और ये ग्राफ ज्यादा स्टैंडर्ड है स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला, क्योंकि जब भी कभी आपसे पूछेगा कि प्लैंक कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं तो वो ये तरीका है एक्सपेरिमेंटली। ठीक, तो h की जो वैल्यू है वो है स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व, कर्व या ग्राफ, और मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो सबको पता है, वेल नोन कांस्टेंट है। इस तरह से एक ग्राफ बनता है आपके लिए मेरे हिसाब से। ओके, अगला ग्राफ देखें। मैं ग्राफ जो है ना वो प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूं करंट का, क्योंकि सर्किट जो बनाया हम लोगों ने वो सर्किट की प्रॉब्लम ये थी कि अगर हम लोगों ने स्टॉपिंग पोटेंशियल से कम पोटेंशियल लगाया तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा और सर्किट में दौड़ेगा और बैटरी के थ्रू दौड़कर करंट जनरेट करेगा। तो जो करंट आएगा उसे फोटो करंट बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं उसे फोटो इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। तो यहां हम लिख रहे हैं स्मॉल आई। स्मॉल आई का मतलब है जिसे हम फोटो करंट बोल रहे हैं। ठीक, ये फोटो करंट। और यहां जब तुम देखोगे तो तुम यहां पर लिखोगे स्टॉपिंग पोटेंशियल या अप्लाइड पोटेंशियल। जो अप्लाइड पोटेंशियल, तुम ये जानते हो कि कभी ना कभी अगर ऐसा है कि फ्रीक्वेंसी बड़ी है थ्रेशोल्ड से, और दूसरी बात है जो भी फ्रीक्वेंसी ली है वो कांस्टेंट है, बदल नहीं रही है, एक ही फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन आपने लिया है, और इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि मेटल भी फिक्स रखा जाए, तो आपने नेगेटिव साइड में जीरो ये है तो ये नेगेटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड तो ये पॉजिटिव साइड, यानी कि ये करंट ड्रॉ करने वाला ड्राइंग पोटेंशियल है और पीछे वाला जो पोटेंशियल है नेगेटिव साइड में प्लॉट करेंगे वो रिवर्स पोटेंशियल, इसको स्टॉपिंग को रिटार्डिंग पोटेंशियल बोलते हैं। रिटार्डिंग पोटेंशियल की कोई एक ऐसी वैल्यू आएगी जिस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग करंट बहना बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का निकलना बंद हो जाएगा, हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को स्टॉपिंग पोटेंशियल नाम दे रहे होंगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल से और ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल कर दें तो इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही नहीं निकलने वाला। तो ये है बेटा अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ग्राफ प्लॉट होगा ऐसे और आगे जाके ये ग्राफ जो है बिल्कुल सीधा हो जाएगा। हम इस वैल्यू ऑफ करंट को बोलेंगे सैचुरेशन करंट। सर सैचुरेशन करंट का क्या मतलब है? करंट बढ़ क्यों नहीं रहा है? अरे नहीं बढ़ेगा यार, शुरुआत में कुछ इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे कुछ नहीं निकल रहे थे, तुमने पोटेंशियल घटाया घटाया घटाया, नेगेटिव कम किया और फिर पॉजिटिव में बढ़ाते चले गए, तो जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे सारे के सारे सर्किट में आने लगे, करंट फ्लो करने लगा। अगर आपने इंटेंसिटी कांस्टेंट कर रखी है, इंटेंसिटी कांस्टेंट कर रखी है, कुछ ना कुछ आई वन ले रखा है, तो इंटेंसिटी का मतलब कितने फोटॉन्स आप ला रहे हो। फ्रीक्वेंसी पहले फिक्स कर दी थी और फिर टोटल एनर्जी अगर कांस्टेंट कर दी तो कुछ नंबर ऑफ फोटॉन्स फिक्स हो गए। अब जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं उतने ही तो इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे, उससे ज्यादा तो नहीं निकाल पाओगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो कांस्टेंट हो गए, फर्दर इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकल रहे क्योंकि इंटेंसिटी बड़ा कांस्टेंट कर रखी तुमने,
तो फिर करंट जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आके रुक जाएगा। इसी की जगह पर आपके लिए सैचुरेशन करंट का अमाउंट बढ़ जाएगा। बस प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर जो इंटेंसिटी है I2 वो ग्रेटर देन I1 हो जाए। ठीक, तो यहां पे I2 और ये I1, तो सैचुरेशन करंट जो है वो इंटेंसिटी बढ़ने के साथ बढ़ता है। I सैचुरेशन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बढ़ने के साथ सैचुरेशन करंट जो है वो बढ़ता है। इंपॉर्टेंट, तो आज के तीन ग्राफ इंपॉर्टेंट हो गए, दो ग्राफ इस पूरे कोर्स के बाकी हैं। दो ग्राफ और करते ही फोटोइलेक्ट्रिक खत्म हो जाएगा, इसके प्रॉब्लम्स बचेंगी, उसके बाद हम आएंगे बेटा डुअल लेक्चर में। तो आज इस लेक्चर को यहां रोकते हैं, इससे ज्यादा इस लेक्चर को करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि काफी लंबा लेक्चर है और इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए। एक्सप्लेनेशन पार्ट जो है वो भी क्लियर करना है, देखना उसे बार बार, और ग्राफ का पोर्शन को भी देखना, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन कैसे बनी उसे भी देखना। फिलहाल पूरे साल का कोर्स देखने के लिए हमें फॉलो करते रहिए, और फॉलो करेंगे तो जो यहाँ पढ़ाया गया वैसा का वैसा ही आपके पेपर में आने वाला है। ज्यादा कुछ नहीं आएगा, ज्यादा की जो यहाँ पढ़ाया वही आएगा। आरटी अकेडमी पे पढ़ा रहा हूँ आपको, नाम है इंद्रजीत सिंह। मिलेंगे अगले लेक्चर में दो बचे हुए ग्राफ के साथ, और पढ़ेंगे डी ब्रोगलीज डुअल नेचर।